लॉकडाउन पार्ट टू को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक न तो प्लेन चलेंगे, न ही मेट्रो या बस। पहले से जिन्हें छूट मिली है उन्हें चलने वाली। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है। साथ ही ट्रेनों या फिर बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है। दिल्ली समेत पूरे भारत में कोरोना संकट को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से तबलीगी जमात पर कार्रवाई अभी भी जारी है। अब दिल्ली पुलिस ने जमात के अमीर मौलाना मोहम्मद साद समेत कई लोगों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 1900 जमातियों को लुकआउट नोटिस जारी किया है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की शाम की घटना के बाद दिल्ली सरकार भी सचेत हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि दिल्ली सरकार भी केंद्र की दिशा निर्देशों का पालन करेगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा, अगर लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो हमारी 21 दिन की तपस्या बेकार चली जाएगी, इसलिए सभी लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि कोरोना वायरस संकट की वजह से मिडिल ईस्ट में कई कारोबार बंद हुए हैं, ऐसे में हजारों भारतीय मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपील करते हुए कहा कि भारत सरकार को तुरंत इन लोगों को देश वापस लाने के लिए स्पेशल विमान का प्रबंध करना चाहिए। यहाँ लाने पर उन्हें क्वारंटीन करने की सुविधा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की है। टीम 11 के अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी को सख्ती से लागू किया जाए। निर्माण के लंबित काम 20 मार्च के बाद शुरू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। साथ ही किसानों से गेहूं खेत से ही खरीदने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। किसानों को दी जा रही सहूलियत को लेकर चर्चा भी हुई। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। अब तक प्रदेश में कोरोना मरीज 727 हैं और 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 55 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 10,661 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना की जंग से लड़ने में दिन रात लगा हुआ है। तो वहीं मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर कुछ लोगों ने पथराव किया। इस हमले में 2 स्वास्थ्यकर्मी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हमला उस वक्त हुआ जब स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संदिग्धों को जांच के लिए एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर कहा कि उपद्रवियों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है, लेकिन कुछ लोग सरकार की अपील को ठुकरा रहे हैं, प्रशासन से ही भिड़ जा रहे हैं। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के मछोदरी पुलिस चौकी के पास करीब 20 से ज्यादा उपद्रवियों ने पुलिस टीम के ऊपर पथराव किया, जिसमें चौकी इंचार्ज राजकुमार यादव समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। संभल के सदर इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम को लोगों ने पथराव उन पर किया दौड़ाया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम हॉटस्पॉट इलाकों में सर्वे करने पहुंची थी। इस दौरान लोगों ने पहले तो पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया और बाद में टीम को पूरे इलाके में दौड़ाया और पथराव किया। कन्नौज में कोटेदार की राशन चोरी सामने आई है। गरीबों में बांटे जाने वाले राशन में कोटेदार ने जमकर घोटाला किया है, जिसके बाद पकड़े जाने पर कोटेदार ने खुलेआम अधिकारियों को मारने की धमकी दी। अधिकारियों ने जब कोटेदार को रंगे हाथों पकड़ा, बाद में कोटेदार ने अपनी दबंगई दिखाई है। आगरा में SNMC अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने बिना रिपोर्ट का इंतजार किए हुए शव को परिजनों को दिया है। अब जांच के बाद शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं अब हापुड़ में कोरोना मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव के 7 नए मामले सामने आए हैं, इसकी पुष्टि DM अदिति सिंह ने की है। वहीं कोरोना पॉजिटिव इलाकों को सील किया गया है। अब जिले में कोरोना मरीजों की 16 तादाद जा पहुंची है। लखनऊ में एक दिन में सबसे ज्यादा 31 नए मरीज कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। लखनऊ में अब संक्रमित मरीजों की संख्या 75 हुई है। KGIMU के आइसोलेशन वार्ड प्रभारी डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को 806 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें से 45 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 31 संक्रमित मरीज अकेले लखनऊ से हैं।
मेरठ में फिर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। मेरठ में एक दिन में कोरोना के 6 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से 2 जमाती हैं। जिले में अब तक कोरोना के 64 मरीज मिले हैं, जिसमें से 9 ठीक भी हो चुके हैं, बाकी 54 मरीजों का इलाज चल रहा है। जनपद औरैया में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। इलाकों को हॉटस्पॉट मानते हुए सील किया गया। तहसील मस्जिद भी अब हॉटस्पॉट में तब्दील हुई है। बताया जा रहा है कि मरकज से लौटने के बाद 13 जमाती एक दिन के लिए ठहरे थे, जिसके बाद इलाके को हॉटस्पॉट कर दिया गया, बना दिया गया। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। रामपुर में पुलिस की ओर से की गई पिटाई के बाद से सफाई कर्मियों में काफी गुस्सा है। सफाई कर्मियों ने सफाई व्यवस्था का बहिष्कार किया। सफाई कर्मियों ने नगर पालिका पर पहुंचकर पुलिस का जमकर विरोध किया। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ सिटी ने विरोध कर रहे सभी सफाई कर्मियों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। ग्रेटर नोएडा में लूडो खेल रहे युवक के खांसने पर विवाद बढ़ा, जिसमें बाद में दबंगों ने लूडो खेल रहे 2 युवकों पर 5 राउंड फायरिंग की। फायरिंग में एक युवक के पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से वो घायल हुआ। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस गोली चलाने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है। लॉकडाउन के बीच संभल में दबंगों की दबंगई का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुरानी रंजिश के चलते जमकर लाठी डंडे चले हैं। दबंगों ने घर की छत पर चढ़कर जमकर मारपीट की, जिसके बाद दबंगों की मारपीट का यह वीडियो वायरल हो गया। कानपुर से खबर है, 2 युवतियों के शव मिलने से हड़कंप मचा है। घर से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसमें पुलिस को संदिग्ध अवस्था में दोनों युवतियों का शव मिला, फांसी के फंदे पर लटकता हुआ। शिवालिक अस्पताल के फ्लैट नंबर 302 में ये शव मिले हैं और शव कई दिन पुराने बताए जा रहे हैं। पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में एक बार फिर से मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब 20 लोग इस मारपीट में घायल हुए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर बागेश्वर से है। रामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का गला रेत कर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। देश में हर कोई कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। सरकार कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन मैनपुरी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। यहां सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक बाजार खुले हैं और लोग भीड़ लगाकर सामान खरीद रहे हैं। बुलंदशहर में सरकार की ओर से जनधन खातों में भेजे गए 500 निकालने के लिए बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइन लग गई, जिसके बाद बैंक में तैनात की गई पुलिस लाइन में लगे लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन कराती हुई दिखाई दी। सभी को 1 मीटर की दूरी के अंतराल में बैंक के बाहर खड़ा किया गया, ताकि कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। लॉकडाउन पार्ट 2 में गोरखपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन गोरखपुर से यशवंतपुर तक चलाई गई है, जिसमें सब्जियां, मेडिसिन और रेलवे अस्पताल के कर्मी और आरपीएफ के सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। लखनऊ के कसाईवाड़ा इलाके में आज 25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी जमातियों के संपर्क में हैं। इससे पहले इसी इलाके के अलीजान मस्जिद में 12 जमाती पकड़े गए थे, जो कोरोना पॉजिटिव थे, जिसके बाद अलीजान मस्जिद को सील कर सैनिटाइज किया गया था। लॉकडाउन के बीच कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस उद्देश्य से बागेश्वर जिले में अलग अलग सामाजिक संगठनों की ओर से जरूरतमंदों के लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए कहीं हर वर्ग के लिए किचन बनाकर भोजन बनाया जा रहा है, तो कहीं दूसरी ओर कुछ सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवकों को लगाया गया है। कोरोना योद्धाओं को खाना इनके द्वारा पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश में किसानों के गेहूं खरीदने के निर्देश जारी किए। लॉकडाउन में किसानों को कई तरह की दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब राहत मिली है। संत कबीरनगर जिले में आज से गेहूं खरीद सभी सरकारी क्रय केंद्रों पर शुरू हुआ। क्रय केंद्र पर सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया गया। इस तरह के निर्देश हुए थे पहले से। किसानों के गेहूं की खरीद 1925 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हो रही है। बुलंदशहर में लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन निकाह कराया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉल के माध्यम से निकाह हुआ है।
तीन लोगों की मौजूदगी में मौलाना ने पूरे रीति रिवाज के साथ ये निकाह किया। महोबा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के पार्ट टू के पहले दिन श्रीनगर थाना पुलिस ने लोगों को अपने गीत के माध्यम से जागरूक किया। सब इंस्पेक्टर सुनील तिवारी ने अपने बोल के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया। इंस्पेक्टर के बोल सुनकर सभी ग्रामीणों में खुशी की लहर दिखाई दी। गाजियाबाद में लोगों ने राशन खरीदने के लिए भीड़ लगाई। दुकान पर लोगों की जमकर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग का बिना किसी सोशल डिस्टेंस के एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे। जब पुलिस ने लोगों को समझाया तो भी लोग मानने को तैयार नहीं दिखे। अलीगढ़ में कोरोना संदिग्ध मरीजों ने छेरत आइसोलेशन सेंटर से भागने की कोशिश की है। कोरोना संदिग्ध मरीजों ने रोशनदान से कूदकर भागने की कोशिश की। इसी दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने इन्हें देख लिया और उन्हें पकड़कर वापस आइसोलेशन सेंटर भेज दिया। पुलिसकर्मियों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी है। मुरादाबाद में कोरोना वायरस के लिए बने सेंटर की दूसरी मंजिल से कुछ कोरोना मरीजों ने खिड़कियां तोड़कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद अस्पताल के स्टाफ ने खिड़कियों पर जालियां लगाई। यहां कोरोना मरीज लटका हुआ मिला। स्टाफ ने इसकी सूचना सीएमओ और पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने मरीजों से बात की और उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ बैठक कर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का अध्ययन किया है, जिसमें प्रदेश में लॉकडाउन के बीच कहां रियायत देनी है इस पर चर्चा हुई है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश में सरकार कोरोना के मामलों को बढ़ने नहीं देगी। उत्तराखंड के लिए अगले 3 से 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के बाद उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रथम सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। प्रथम सिंह के अनुसार कोरोना को हराना है तो कड़े फैसले लेने होंगे। प्रथम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के मद्देनजर सरकार को गरीबों के लिए खाने का इंतजाम ठीक ढंग से करना चाहिए। चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को काफी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस महामारी की वजह से उत्तराखंड के सर्विस सेक्टर को काफी नुकसान हुआ है। चारधाम यात्रा भी उसी में शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन दर्शन कराने का काम किया जाए। सरकार ने सभी लोगों से सुझाव मांगे हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। प्रदेश में चारधाम के कपाट तो समय पर खुलेंगे, पर लॉकडाउन की वजह से धामों में श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार केंद्र के निर्देश का पालन करेगी, उसके बाद ही श्रद्धालुओं को चारधाम में जाने का मौका मिलेगा। वहीं केदारनाथ मंदिर के रावल भीमाशंकर भी अभी लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केदारनाथ पहुंचने में मदद मांगी है। चारधाम यात्रा पर जाने को तैयार 1500 बसें लॉकडाउन की वजह से चारधाम बस ट्रांजिट कंपाउंड में खड़ी हैं, जिससे परिवहन व्यवसायियों के सामने अब रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हुआ है। परिवहन कारोबारी सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा से राज्य की 9 निजी परिवहन कंपनियां जुड़ी हुई हैं। इन कंपनियों की करीब 1500 बसें हर साल तीर्थयात्रियों को चारधाम की यात्रा कराती हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप और लॉकडाउन से सभी के सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। श्रम विभाग ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर जिलों के पंजीकृत मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान राहत देते हुए करीब 2.5 करोड़ रुपए बांटे हैं, लेकिन इसके अलावा बाहरी राज्यों के फंसे प्रवासी मजदूरों को अभी तक कोई सहायता राशि नहीं मिली है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने श्रम विभाग से उनका डेटा इकट्ठा करने के आदेश दिए हैं, जिससे कि उनको भी राहत पहुंचाई जा सके। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए लेट फीस से राहत दी है। वहीं इसके अलावा 30 जून तक बिल न जमा कराने वालों का बिजली का कनेक्शन न काटने का फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले का बीजेपी संगठन ने भी सराहना की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि सरकार जरूरत के हिसाब से जनहित में फैसले लेती रही है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर नीरज खैरवाल ने 2 प्लाटून रैपिड एक्शन फोर्स के साथ कर्फ्यू इलाके में दौरा किया है। इस दौरान कुमाऊं डीआईजी, एसएसपी, डीएम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कर्फ्यू के हालात का जायजा लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर नीरज खैरवाल ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले सभी उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। हल्द्वानी पहुंचे डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड में अफवाह फैलाने का माहौल खराब करने का
किसी को अधिकार नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस अब रासुका लगाने की तैयारी कर रही है। साथ ही डीजी ने बनुफुलपुरा इलाके में लगे कर्फ्यू वाले इलाकों का दौरा किया, साथ ही पूरे इलाके का मुआयना किया। मसूरी शहर में पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। उपजिलाधिकारी वरुण चौधरी ने शहर के गांधी चौक के पास दो व्यापारियों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की और एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एसडीएम ने तमाम मस्जिदों का भी निरीक्षण किया है। लॉकडाउन की वजह से मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला में फंसे करीब 80 ब्राजील और उबेगुआ के लोगों को पुलिस ने अम्बेसी के माध्यम से उनके देश भेजा, उनको जा रहा है। इस दौरान विदेशी नागरिक काफी खुश नजर आए, यात्रियों ने खुशी का इजहार किया। वतन वापस जाने की खुशी साफ तौर पर उनके चेहरों पर देखी जा सकती थी। इन सभी लोगों की पहले स्क्रीनिंग की गई। देवप्रयाग पुलिस ने इस महामारी के बीच एक मिसाल पेश की है। लॉकडाउन में आने वाले 101 गांवों से मैं राशन और चिकित्सा का प्रबंध अपने वेतन से किया है। थाना प्रभारी देवप्रयाग महिपाल सिंह रावत की पहल पर पुलिस स्टाफ ने यहां एक नई मिसाल पेश की है। लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल टीमों के टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने की जानकारी दी है, जिससे अब अप्रैल मई में आईपीएल होने की संभावना खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही बीसीसीआई ने यह भी साफ कर दिया कि लीग स्थगित की जा रही है, रद्द नहीं। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने सुनील गावस्कर की सोशल मीडिया पर उनको जवाब दिया है। गावस्कर ने कहा था कि लाहौर में बर्फबारी होना आसान है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज होना मुश्किल। अब शोएब अख्तर ने ट्विटर पर सुनील गावस्कर के साथ लाहौर की पुरानी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, सनी भाई लाहौर में पिछले साल ही बर्फबारी हुई थी, इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना ने इंस्टाग्राम लाइव पर धोनी की वापसी पर बात करते हुए बताया कि वो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके अंदर अभी भी काफी क्रिकेट बचा हुआ है, वो काफी अनूठे प्रयोग करते नजर आए हैं। हमने एक प्रैक्टिस मैच खेला था, वो छक्के जो उन्होंने लगाए वो उतने ही लंबे थे जैसा धोनी के साथ हुआ करता था। लॉकडाउन की वजह से टीवी शोज की शूटिंग बंद पड़ी है, ऐसे में मेकर्स और चैनल के पुराने सुपरहिट शोज को री टेलीकास्ट करने का फैसला लिया गया है। कलर्स पर बिग बॉस 13, बालिका वधू जैसे हिट शोज का अब रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। इसमें नागिन सीजन 1 एक बार फिर टीवी पर वापसी करने वाला है। देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण टीवी के सभी शोज की शूटिंग बंद है और साथ ही कपिल शर्मा शो की शूटिंग नहीं हो रही है। अभी खबर आई थी कि कपिल शर्मा शो की शूटिंग बिना ऑडियंस के घर से ही की जाएगी, लेकिन एक्टर कीकू शारदा ने इस खबर का खंडन किया। लॉकडाउन में सभी स्टार्स अपने अपने घरों में कैद हैं और ना तो शूट हो पा रहा है ना ही किसी वेकेशन पर जा पा रहे हैं। इन सब के बाद भी परिणीति सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही हैं। परिणीति ने काफी प्रो फोटोज शेयर किए हैं, ये वायरल हुए हैं। लॉकडाउन में सब कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। वहीं माधुरी दीक्षित का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जहां माधुरी तबले की ताल पर डांस प्रैक्टिस कर रही हैं और तबला उनके साथ उनके बेटे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं।